पिछले 24 घंटों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या हुआ और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। 2020 के बाद ये पहली बार होगा जब रॉम रेंज यहाँ पर 30 मेंस रॉयल रंबल में फाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोडी रोड ये टीज कर देते हैं कि आखिर किसी रेसलर के यहाँ पर धमाकेदार एंट्री होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन स्टामे चचा एक बार फिर से यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं इस बार के मंडे नाइट ड्रॉ पर, और ये तीन रेसलर जो आपस के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आज यहाँ पर एनएक्सी बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर विंस मैकमैन बाबा एक बार फिर से यहाँ पर अपना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, हर रोज ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा चैनल पर। वैसे ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा जब रॉमर्स यहाँ पर 30 मेंस रॉयल रंबल में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हालांकि 2020 के बाद रॉमर्स एक बार भी यहाँ पर 30 मेंस रॉयल रंबल में यहाँ पर फाइट नहीं किए हैं, और वो लास्ट टाइम यहाँ पर 30 मेंस रॉयल रंबल में चैंपियन बने थे वो भी 2015 में। इस बार मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पर रॉमर्स को 30 मेंस रॉयल रंबल में देखने के लिए। आखिर वो कौन सा रेसलर होगा जो यहाँ पर रॉमर्स को एलिमिनेट करेगा? क्या वो जैको फातो होंगे जो यहाँ पर रॉमर्स को एलिमिनेट करेंगे, या फिर सोलो सिकोवा होंगे, या फिर कौन रेसलर होगा जो यहाँ पर रॉमर्स को एलिमिनेट करेगा? शायद उसी से पर रॉमर्स की रायलवरी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैट कैफे के शो पर यहाँ पर कोडी रोड से पूछा गया कि यहाँ पर क्या किसी का शानदार एंट्री होने वाला है, फिर रिटर्न होने वाला है। तो इस पर यहाँ पर कोडी रोड रिएक्ट करते हुए बताते हैं कि हाँ यहाँ पर किसी का तो रिटर्न होने वाला है। हालांकि यहाँ पर कोडी रोड ने तो नाम नहीं बताया, पर आप देख सकते हैं ये तीन रेसलर हो सकते हैं जिनका यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा, उसके बाद द रॉक, फिर उसके बाद पॉल हेमन हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के जो अगले अपोनेंट हो सकते हैं वो होंगे यहाँ पर एले नाइट। वैसे एले नाइट को लेकर इस समय ज्यादा ही रूमर्स पोटेंशियल निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर जो अगला फ्यूड होने वाला वो होगा यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ब्रॉन स्टामेर चचा को एक बार फिर से इंजरी हो चुका है, जैसा कि हमने कल के वीडियो में ही बता दिया था आपको। वैसे ये इंजरी होना तो तय ही था जिस प्रकार से इनका मैच चल रहा था यहाँ पर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, और इस मैच को जीतने के लिए यहाँ पर ब्रॉन स्टामेर चचा अपना पूरा यहाँ पर जान लगा देते हैं। पर यहाँ पर सिथरन का रिटर्न होने के बाद कुछ अलग ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर शॉन माइकल, ट्रिपल एच, उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक, ये तीन बंदे जो पुराने काफी यहाँ पर दोस्त हुआ करते थे अब ये एनएक्सटी के पीछे काफी संघर्ष कर रहे हैं। जॉन माइकल यहाँ पर एनएक्सटी को काफी बूस्ट करने में मदद कर रहे हैं और यहाँ पर रेसलिंग करने के यहाँ पर तरीके सिखा रहे हैं रेसलरों को। उसके बाद सीएम पंक यहाँ पर एनएक्सटी शो को यहाँ पर होस्ट करते हैं हर ट्यूजडे को। और रही बात ट्रिपल एच की, तो ट्रिपल एच हर बार यहाँ पर अपना कॉन्टेंट क्रिएटर के रूप में काफी यहाँ पर बढ़ोतरी देते हैं एनएक्सटी को। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रूमर्स ये निकल के आ रहा है की गुंथर वर्सेज ब्रॉन ब्रेकर के बीच यहाँ पर न्यू फ्यूड स्टार्ट हो सकता है। हालांकि इस समय गुंथर का जो अपोनेंट यहाँ पर है सेमी जेन है। वैसे जी उस यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर चैंपियनशिप हारने के बाद उनका यहाँ पर अपोनेंट रिवील्ड हो चुके हैं, तो शायद यहाँ से इनका नया रैलवे स्टार्ट होने को देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आर्टूथ के जैसा हमने फनी आदमी अभी तक नहीं देखा। मंडे नाइट रॉक को जब यहाँ पर आर्टूथ का रिटर्न होता है तो मीज उनसे पूछते थे आखिर तुम कहाँ थे इतने समय और इतना देर क्यों लगा दिए। तब उनसे आर्टूथ बोलते हैं यार मैं यहाँ पर राइटर हूँ, मैं अपना राइट बुक कर रहा था, उसके बाद यहाँ पब्लिश भी कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर मीज बोलते हैं यार तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोलता रहता है तू। उसके बाद नेक्स्ट शॉन माइकल, इस बार एनएक्सटी पे दो टाइटल यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अनवील्ड कर दिए हैं। एक यहाँ पर मेंस के लिए है और एक वीमेंस के लिए है। इस बार के यहाँ पर 1 अक्टूबर को ये अनवील्ड कर देते हैं शॉन माइकल। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर विंस मैकमैन बब्बा को लेकर। हालांकि इस समय जो इनके डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है विंस मैकमैन बब्बा की, इस समय यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर 4th नंबर पे चल रही है और पूरे नेटफ्लिक्स पर यहाँ पर विंस मैकमैन बब्बा छा चुके हैं। और इनका जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री अपलोड किया गया था नेटफ्लिक्स पर वो यहाँ पर 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअरशिप गेन कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट इस बार के एनएक्सटी में काफी ज्यादा व्यूअरशिप देखने को मिला, 8 लाख से ज्यादा भी यहाँ पर व्यूअरशिप देखने को मिला। यहाँ पर जो कंपेयर करें अगर पिछले एनएक्सटी व्यूअरशिप के, तो यहाँ पर लगभग 6-6.5 हजार की व्यूअरशिप के लगभग यहाँ पर आता था, पर इस बार के शो में यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर विंस मैकमैन बाबा एक बार फिर से यहाँ पर फोर्ब्स लिस्ट में दिखाई देने को मिले। अंडर 400 दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में इनका भी नाम आया है। इनका जो रैंक था यहाँ पर 366 पर इनका रैंक था, और जो इनका यहाँ पर नेटवर्क दिखा रहा है इस समय 2.3 बिलियन के अप्रोक्स इनका यहाँ पर नेटवर्क है इस समय। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट रूमर्स और जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।